दोस्तों माय यूट्यूब चैनल परिमल फाइव स्टार में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज का वीडियो 2022 में आप ऑनलाइन राशन कार्ड का अप्लाई आप कैसे कर सकते वो भी घर में बैठ के, तो उसी के विषय में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो जानकारी से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो डॉक्यूमेंट्स होगी आपको फोट एफिडेविट, आपका राशन कार्ड अगर पहले से है तो उसका भी कॉपी लगेगा, और आधार कार्ड का कॉपी लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, या तो वोटर आई कार्ड है वोटर आई कार्ड लगेगा, पैन कार्ड भी लगेगा, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर लगेगा। तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल से कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो अपना सीएससी सेंटर यानी ऑनलाइन जो होता है वहां पे आप जाके करवा सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपना मोबाइल स्क्रीन पे आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर उमंग, देखिए UMANG उमंग मैंने सर्च करके रखा है तो उमंग को मैं सर्च कर दूंगा। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का फेस आएगा, देखिए नीचे जो देखिए यहाँ पे कुछ आएगा, तो यहाँ पे फिर से मैं उनको टैप कर देना है। जैसे मैं टैप करूँगा तो आगे का फेस आपको खुल जाएगा, देखिए मैं आगे का फेस आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ आगे का फेस इस तरह खुल जाएगा, देखिए पीसी या लैपटॉप में खोलिएगा तो सिस्टम कुछ अलग आता है, मैं मोबाइल से आपको दिखा रहा हूँ। तो मोबाइल से यहाँ पे देखिए 3 डॉट आपको दिख रहा है, या 3 डॉट में आपको क्लिक करना है। 3 डॉट में जैसे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, यहाँ उमंग में आपको अपना एक ईमेल आईडी अपना लॉगिन आईडी बनाना पड़ता है। तो मेरा लॉगिन आईडी पहले से बना हुआ तो आपको लॉगिन आईडी भी बनाना सिखा देता हूँ कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड देखिए लॉगिन और रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ लॉगिन और रजिस्टर्ड जो लिखा हुआ है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ जो दिखा है ये लॉगिन और रजिस्टर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका आगे का फेस कुछ इस प्रकार खुल जाएगा, देखिए यहाँ पे आगे का फेस कुछ इस प्रकार का खुल गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली देखिए 3 डॉट फिर से दिख रहा है, 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे आईडी जो है लॉगिन है, या मैं आपको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर लिया। तो आपको लॉग आउट करके मैंने दिखा दिया, अब आपको यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो फिर से यहाँ पे 3 डॉट में आ जाऊँगा, यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड जो है, रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँगा मैं। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है इंटर मोबाइल नंबर और इंटर पिन। तो मेरा तो पहले से ही लॉगिन किया हुआ है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, मगर आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से सिंपली कैसे अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए क्रिएट का जो ऑप्शन है, क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिएट पे क्लिक करने के बाद क्या होता है। क्रिएट पे जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार का आपका फेस खुल के आ जाएगा, इंटर मोबाइल नंबर। तो जैसे मोबाइल नंबर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए गेट ओटीपी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आने के बाद यहाँ पे ओटीपी फिल कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए कैप्चर कोड जो दिया हुआ है, ये कैप्चर कोड भी आपको फिर से डाल देना है। यहाँ पर कैप्चर कोड डालने के बाद साइन अप कर देना है, यहाँ पर साइन करने का ऑप्शन है, साइन कर देना है और आपका अकाउंट जो है बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपका एम पिन का ऑप्शन आएगा, आप जो भी अपना एम पिन बना सकते हैं तो ये आपका जो है अकाउंट बन के रेडी है। तो चलिए मैं बैक करके दिखा देता हूँ मैं अपना आईडी लॉगिन करके कि आप राशन कार्ड ऑनलाइन मोबाइल से घर पे कैसे बैठ बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे आईडी जो है लॉगिन कर लेता हूँ, देखिए चलिए मैं अपना आईडी को जो है लॉगिन कर लिया हूँ, मेरा आईडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। मेरा आईडी लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन फिर से आ रहा है 3 डॉट का, देखिए यहाँ 3 डॉट का जो ऑप्शन आ रहा है इस 3 डॉट पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे करके भी वीडियो को आप देख सकते थे, 3 डॉट में आपको क्लिक कर देना है। और 3 डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सर्विस डायरेक्टली, ये देखिए सर्विस डायरेक्टली, यहाँ पे हमको फिर से एक बार टैप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँगा आगे का फेस खुल जाएगा। तो आगे का जो फेस खुलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइन पे बने रहिए क्योंकि कुछ नेटवर्क के इशू कारण से थोड़ा लेट से खुल रहा। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया है, एक स्टेट एक सर्च बाय का ऑप्शन। तो यहाँ पे सर्च में मैं ऑप्शन कर दूँगा DEP,
तो DEP जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो नीचे कुछ फेस खुल के आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। रुक जाइए, कुछ नेटवर्क का इशू, मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे तो देखिए मैंने यहाँ पे DEP जैसे सर्च किया, तो DEP जैसे सर्च किया तो यहाँ पे आगे देखिए एक ऑप्शन आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, ये यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका आगे का फेस खुल जाएगा। तो कुछ आगे का फेस किस प्रकार खुलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया दो ऑप्शन, तो आगे का फेस आपका खुल चुका है। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई राशन कार्ड, तो अप्लाई राशन कार्ड जो है यहाँ पे ओपन का सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन कीजिएगा कुछ आगे का फेस खुल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आगे का फेस खुल गया है, तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है तो प्रोसेस कर देना है। तो प्रोसेस कर देना, प्रोसेस करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप करने का आ गया है। तो आपको फॉर्म क्या फिलअप करना है, देखिए सबसे पहले हेड ऑफ फैमिली, मदर्स नाम, फादर्स नाम, जो सारा डिटेल्स मांगा जा रहा है सारा डिटेल्स आपको भर देना है। अगर आप नहीं भर रहे तो जो भरने जानता है वो भर देगा अच्छा तरह से। भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे चल जाना, एड्रेस आपका जो घर का एड्रेस है, लैंडमार्क अपने गांव में जो मंदिर या कोई भी स्कूल है वो डालना है, स्ट्रीट नेम डालना, डिस्ट्रिक्ट डालना है, अखिलेश डालना, सब डिस्ट्रिक्ट डालना है, जिला का एक पिन होता है वो पिन डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक डेस्क का जो ऑप्शन दिख रहा है, एड्रेस का ऑप्शन को टैप कर देना। जैसे टैप कीजिएगा तो नेक्स्ट जो आपको एड्रेस मांगा जा रहा है वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको मांगा जा रहा है बैंक डिटेल्स, तो बैंक का नाम बता देना है, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। यहाँ पे क्वेश्चन मांगा जा रहा है सैलरी अकाउंट है कि आपका सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे दे देना। तो बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ गैस, जो आपके घर में गैस जल रहा है, गैस कौन सा कंपनी का, HP का है, इंडियन का, भारत का है, आपका गैस लाइसेंस नंबर, आप गैस कौन सी कंपनी से उठाते हैं, गैस डीलर का नाम, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, आपको जो खाता मिला है गैस वहाँ से सारा डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या करना है, फैमिली एड्रेस, जो फैमिली में अपने कितना आदमी है वो आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ ऐड का जो ऑप्शन है क्लिक कर देना है, और यहाँ पे मेंबर नेम, जो मेंबर घर का है उसका कोई भी एक मेंबर ले पहले चुन ले, सबसे बड़ा जो भी है नाम, उसका मदर का नाम, फादर का नाम, उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ है, मेल या फीमेल है, एज, मोबाइल नंबर, ठीक है, उसका बैंक डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद फिर से आपको और भी फैमिली अगर घर में उसका भी डाल देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता है वो आपको डालना ही पड़ेगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑप्शन आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, तो आपके पास जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर देना। आपके पास अगर वोटर आई कार्ड तो वोटर आई कार्ड पर क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट आपको फिर से ID प्रूफ मांगा जा रहा है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, पासपोर्ट, रेंट एजेंट, वोटर आई डी, फिर से वोटर आई डी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से देखिए यहाँ पे आ जा रहा है FEDP, यानी कोर्ट FEDP। एक कोर्ट FEDP बनता है, वो कोर्ट FEDP आप बनवा लेना अपना, किसी भी मोहरी या वकील को पकड़ के यहाँ पे 200-100 रुपये जो भी पैसे लगेगा वो आपको कोड एफिडेविट बनवा लेना है। और कोड एफिडेविट का कॉपी पहले से आपको मोबाइल पे सेव करके यानी फ़ोटो खींच कर रख लेना है ताकि फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। और मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। कोई भी डिटेल जो है अपलोड कीजिएगा, जो भी ID प्रूफ, वो 100 KB का होना चाहिए तभी आपका हो पाएगा। पता आ जाता है आपका यहाँ पे देखिए फैमिली अपलोड, यहाँ पे जो आ जाता है यहाँ पे एक फैमिली का फोटो आपको देना पड़ता है, एक फैमिली का हेड है नीचे जो आ जाता है एफिडेविट होने के बाद। यहाँ पे नीचे जो है देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर का जो हेड है, जो हेड बनेगा घर का, जो मुखिया है उसका फोटो लगेगा। उसके बाद आपका जो कम्प्लीटली डिटेल्स डाल दिया जाएगा, सारा डिटेल्स आप पूरा फिल कर देंगे, तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे मैं जो रेड कलर का मार्क कर रहा हूँ प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू में आपको देख लेना कि पूरा डिटेल्स जो आपका है वो सही है या गलत। अगर सही नहीं है, अगर कुछ गलत आपको लग रहा है तो उसमें फिर से रिसेट करके आपको डाल लेना है, और अगर आपको सही लग रहा है तो सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सबमिट के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पे आपका आएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मिलेगा आपको लिख के रख लेना है या मोबाइल पे सेव करके रख लेना है। उसके बाद आप कैसे चेक कर पाएंगे,
कि आपका राशन कार्ड रेडी हुआ कि नहीं, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और इससे अच्छा अच्छा वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मैं बैक करके दिखा देता हूँ आपको राशन कार्ड का व्यू कहाँ से दिखेगा। तो राशन कार्ड का व्यू देखिए, यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन दिखाया था पहले आपको, एक तो आपको दिखाया था कि राशन कार्ड ओपन यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे देखिए व्यू राशन कार्ड डिटेल्स। यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर आईडी मांगा जाएगा, और यूजर आईडी मांगने के बाद आपको यूजर आईडी यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद आपका सिंपली यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद आप PDF जो है आप निकाल लेंगे अपना, कहीं भी ऑनलाइन सेंटर में जाके आप निकाल लेंगे, और यहाँ से आपका राशन एक महीना के अंदर या 15 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।